मीडियम है ठीक है स्टेशनरी से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा स्टेशनरी वो फेज है जो मूव नहीं करता इट्स स्टेशनरी फेज सो इट्स अ सॉलिड और लिक्विड विच डज नॉट मूव जो अपनी जगह से नहीं हिलता क्या आप लोगों को याद है अपना ओ लेवल्स में डिड यू डू क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट फिल्टर पेपर इस्तेमाल करा करते थे उसको एल्कोहल में डाला करते थे इंक जो है वो फैलती थी रेड ब्लू ग्रीन निकल आते थे उसमें से या क्रोमैटोग्राम यू यूज टू तो गेट अ क्रोमैटोग्राम और फिल्टर पेपर कोई भी पतला सा पेपर होता था उसमें भी कर सकता था याद है तो उसमें जो आपका फिल्टर पेपर था ना जो आपका फिल्टर पेपर था जो क्रोमैटोग्राम था पीछे जो पेपर था वो असल में वो स्टेशनरी फेस था वो नहीं हिलता अपनी जगह से ठीक है अच्छा इस स्टेशनरी फेज़ एक चीज होती नोन जो हम अल्कोहल तो उस पेपर फेज़ पे so जो हिलता है, हिलता है और कंपोनेंट्स हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली कैरी करके ले जाता है उसको बोला जाता है मोबाइल फेज हम जितनी भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे उन सब में यही थ्योरी होगी एक होगा आपका स्टेशनरी फेज एक होगा आपका मोबाइल फेज सो अ लिक्विड और गैस दैट मूव्स आई एम कैरी द अच्छा अब कंपोनेंट्स जो सेपरेट होते हैं दे आर मतलब द मोबाइल फेज मूव्स टू द स्टेशन फेज वही फिल्टर पेपर में से एल्कोहल मतलब इट यूज टू क्लाइम अप द फिल्टर पेपर

फिल्टर पेपर यू डॉन्ट यूजली यूज फिल्टर पेपर इनस्टेड यू यूज थे यू यूज लेयर ऑफ एलुमीनियम ऑक्साइड लिख लेते हैं और सिलिका जेल विच इज एस आई ओ टू ठीक है सिलिका जेल एस आई ओ टू होता है मतलब सिलिकॉन डाई सिलिका जेल कैन यू टेल मी ये पोलर होते हैं नॉन पोलर होते हैं si क्या ख्याल है आपका इन बारे में इनके बारे में आर these कंपाउंड गोइंग टू बी पोलर और नॉन पोलर दीज आर हम्म

इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये नॉन पोलर हो ठीक है ये जो मोबाइल फेज होगा और जो स्टेशनरी फेज होंगे इनके बीच में ये डिफरेंस रहना चाहिए अगर एक नॉन पोलर तो दूसरा पोलर होगा अगर एक नॉन एक, एक, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर दिस मस्ट बी रिमेनिंग वेरी वेरी ये होना चाहिए अगर आपने दोनों पोलर रखिए तो फिर आपकी फेल है क्रोमेटोग्राफी वो दोनों मतलब कुछ उसमें कुछ आपको नजर नहीं आने वाला

सो मोबाइल फेज क्या एनी सॉल्वेंट दैट कैन डिजॉल्व द मिक्सचर ये मैं आपसे सिर्फ एक जो है वो क्या कर रहा हूं आई एम जस्ट डिस्कसिंग वन पॉसिबिलिटी विद यू गाइस ठीक है इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऑल ऑन डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन तो वो हो सकता है आपके साथ अच्छा नाउ इसकी डायग्राम आ सकती है तो सर इसकी डायग्राम कैसे बनानी है ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा ठीक है सो यू नीड टू बी मेकिंग श्योर कि आप इसमें कुछ ख्याल रखो इस डायग्राम को बनाते बनाते और हम इसको प्रॉपर्टी करते हैं इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर ओ लेवल अगर थोड़ा बहुत अगर याद हो तो आप लिया करते थे एक बीकर यू यूज टू टेक अ बीकर ठीक है बहुत मोटा बीकर बन रहा है not... इतना मोटा आप एक बीकर लिया करते थे ठीक है उसमें आपने अपना क्या करा उसमें आपने अपना ये जो भी स्टेशनरी फेज था वॉट एवर दिस स्टेशनरी फेज टेक अ स्ट्रिप ऑफ इट इन हमारे में में हमारे फिल्टर पेपर ही हुआ कर तो आपने उसकी स्ट्रिप ली और आपने उसको यू खड़ा कर दिया अंदर बीकर कैसे खड़ा करा पेपर क्लिप से खड़ा कर दो या किसी भी चीज से टिका दो बेसिकली या बॉल्स ऑफ के साथ ही टिका दो तो कोई मसले की बात नहीं है दिस इज योर स्टेशनरी फेज हमारी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अभी क्या होगा हो हो अच्छा, हो हो? इसको डालने से पहले आपने यहाँ पे अपना वो सॉल्वेंट भी डालना है वो मोबाइल फेज भी डालना है सो यू पुट योर मोबाइल फेज इज वेल आप अपना मोबाइल फेज डाल ये लेकिन बहुत कम होना चाहिए और बिल्कुल नीचे आई डोंट गेट पोलर पार्ट क्रोमेटोग्राफी जो कॉन्सेप्ट है ना इट इज सेपरेटिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ये चीज स्टेशनरी फेज के साथ रह जाएगी या ये मोबाइल फेज के साथ साथ चली जाएगी ठीक है तो मैंने ये बताया कि देखो स्टेशनरी फेज या तो मतलब स्टेशनरी फेज की जो भी पोलैरिटी होगी ना अगर ये पोलर है तो मोबाइल फेज हमेशा नॉन पोलर रखा जाएगा अगर ये पोलर है तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर रखा जाएगा क्यों क्योंकि तुम्हें तो सेपरेट ही इस बेसिस पे करना है जो चीज अगर ये पोलर है मोबाइल फेज तो जो चीज पोलर होगी वो इस मोबाइल फेज के साथ 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 ऊपर अगर और अगर नॉन पोलर होगी तो वो फिर स्टेशनरी फेज में रह जाएगी वो उसके साथ नहीं जाएगी राइट सिमिलरली अगर ये नॉन नॉन पोलर हो, तो पोलर होगा तो वाली चीजें इसके साथ आगे निकल स्टेशनरी फेज के साथ लेकिन पोलर वाले फिर मोबाइल फेज चिपके रह जाएंगे सो ये बता रहा हूं कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज तुम्हारे उनकी पोलैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए ताकि वो मिक्सचर सेपरेट किया जा सके बाकायदा ठीक है जी हमें एक चीज चिपकानी है स्टेशनरी फेज के साथ एक चीज निकलवा देनी है मोबाइल ठीक है अच्छा दिस इज योर सॉल्वेंट तो दिस इज योर सॉल्वेंट ये आपका होगा मोबाइल और इसके बारे में और कुछ चीजें लिखेंगे अच्छा देन यू वॉन्ट टू बी प्लेसिंग द स्पॉट ऑफ योर मिक्सचर जो भी आपका मिक्सचर है जिसको आपको सेपरेट करना है तो आपने अपना स्पॉट ऑफ मिक्सचर यहां पे डाला अच्छा मेक श्योर दैट दिस इज अब दी सॉल्वेंट ये क्यों अगर आपने यहां पे डाल दिया तो फिर क्या होगा ये सॉल्वेंट में वहीं पे डिजोल्व कर जाएगा ऊपर जा ही नहीं पाएगा राइट सो मेक श्योर मेक श्योर मेक श्योर ये ऊपर हो ये यहाँ सॉल्वेंट में नहीं डलेगा ये ठीक है मेक श्योर द मिक्सचर इज उसका स्पॉट जो है वो सॉल्वेंट की लाइन से ऊपर हो अच्छा इसके अलावा हम क्या करेंगे हम पेंसिल से एक लाइन भी मारेंगे यहाँ पे ताकि हमें याद रहे सेपरेट हो था था ये सेपरेट होता था अगर ये स्पॉट गायब भी हो गया तो हमें याद रहे हमने कहा लाइन बनाना भी मस्ट है इंक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता मैं फैल क्यों क्यों जाएगी इंक भी तो डिजोल्व कर जाएगी सॉल्वेंट में राइट इंक भी मूव कर जाएगी इंक भी हो सकता है सारा कबाड़ा बन जाएगा आपकी इन्वायर उसका तो हम इसीलिए पेंसिल इस्तेमाल करेंगे जिसमें ग्रेफाइट होती है सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं करने वाला ठीक है बेस लाइन एंड यू आर यूजिंग दिस मेक विद पेंसिल अदरवाइज इट विजोल्व इन सॉल्वेंट ठीक है मेक विद पेंसिल अदरवाइज विल डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इफ इट इज इंक या फिर खुद भी सेपरेट होना शुरू जाएगी राइट यू कैन राइट एनी अदर थिंग्स इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है वैसे एग्जाम में फालतू तो नहीं दिखा रहा ठीक है अच्छा देन आई ऑल्सो टोल्ड यू सॉल्वेंट जो है वो स्पॉट से नीचे ही होगा रिमेंबर दिस इज वेल कीप दिस बिलो स्पॉट ऑफ मिक्सचर अदरवाइज मिक्सचर विल डिजॉल्व इन सोल्वेंटी वो सॉल्वेंट में वहीं पे डिजोल्व कर जाएगा ऊपर जाएगा ही नहीं राइट right? अच्छा इसके अलावा और क्या चीजें हैं कंफ्यूजिंग लास्ट थिंग इज ऑल्सो यूज अ लिड <coughs> to prevent evaporation. Exactly. Solvent उड़ के अगर बाहर निकल गया experiment complete होने से पहले ही सारा solvent उड़ के बाहर निकल गया तो फिर तो experiment खराब हो जाएगी ना तो to prevent evaporation.

आपका जो मिक्सचर का स्पॉट होगा वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में टूटा हुआ होगा अच्छा नाउ लेट्स मेक अ कमेंट ऑन दिस अब मैंने आपको क्या बताया था आपका जो स्टेशनरी फेस था मेरे अभी अभी मेरी वाली एक्सपेरिमेंट तो इस वक्त हो, हो सकता है डिफरेंट हो या आपके क्वेश्चन पेपर में ठीक है मेरी वाली एक्सपेरिमेंट में मेरा स्टेशनरी फेस जो है वो पोलर है मेरी वाली एक्सपेरिमेंट ठीक है, है और मेरा सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर है सो so, अगर रेड वाला स्पॉट इतना मूव नहीं कर सका तो इसका मतलब है ये पोलर है या नॉन पोलर है इफ द रेड स्पॉट वॉज एबल टू मूव एज मच एज द रेड स्पॉट अ पोलर स्पॉट और अ नॉन पोलर स्पॉट वॉट कॉमेंट कैन यू वेक अबाउट दिस इट्स सपोज टू बी Since your stationary phase is polar, इस बात का मतलब क्या है? ये ये के साथ सबसे अच्छा चिपका हुआ था, इसीलिए नहीं कर पाए भाई डि right? जो चीज होती है है। ना, वो कर जाती जो चीज नॉन पोलर होती है वो नॉन पोलर सॉल्यू में डिजोल्व कर जाती है सिंस आपका अभी स्टेशनरी फेज क्या है पोलर है इस बात का मतलब है, ये जो रेड वाला स्पॉट है ये बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड कर रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट स्पॉर्ट बना रहा था स्टेशनरी फेज

जब स्टेशनरी फे से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा तो वो कम ट्रैवल करेगा जब मोबाइल फे से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा तो फिर वो ज्यादा ट्रैवल करेगा ये है बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमैटोग्राफी सही है अच्छा नाउ व्हाट कैन वी डू इज वी कैन मेजर अ वैल्यू नोन एज रिटेंशन फैक्टर और एन आरएफ वैल्यू rf वैल्यू क्या होती है ठीक है आपने अपनी एक्सपेरिमेंट खत्म कर ली आपने अपनी एक्सपेरिमेंट खत्म कर ली आपका सब कुछ हो गया आप क्या करोगे आप फिर एक स्केल लोगे आप फिर एक स्केल लोगे आपने फिर ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट यू मेजर दिस डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट ये मैं मार्क कर देता हूं यहां पे ये है डिस्टेंस ठीक है मैंने कोई भी स्पॉट नहीं सॉल्वेंट भी आपको बकायदा गीला गीला नजर आएगा कहीं फिल्टर पेपर पे या जो भी इसी निकल होगी ठीक है सो यू राइट डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट ठीक है एंड अगर आपको किसी भी स्पॉट का रिटेंशन फैक्टर निकालना है फॉर एग्जाम्पल मुझे इस स्पॉट का रिटेंशन फैक्टर निकालना है तो मैं इसका भी डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं फ्रॉम माई बेस लाइन ठीक है इसको भी यहां पे लिख लेते हैं

फैक्टर इसको रिटार्डेशन फैक्टर भी बोलते हैं रिटेंशन क्या होती है डू नो वट रिटेंशन पता तो मुझे भी नहीं है मुझे बता दो प्लीज रिटेनिंग समथिंग वेरी गुड वेरी गुड रिटेनिंग वहां पे रुका हुआ था

आपकी प्रोडक्ट टेस्ट करनी आपका आपने जो है वो आपने कहा कि भाई मैं जो करी। का आ गया ऑफिशियल ठीक है थी? उसने कहा भाई अपनी फैक्ट्री का मुआयना कराओ और वो आ गया आपकी उधर प्लांट पे अब वो देख रहा है कि आप उसमें कुछ ना कुछ फूड कलरिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो उसने कहा कि भाई ये मैं फूड कलरिंग टेस्ट कर लूं कि ये जो है वो फूड कलरिंग

आ, उसने कहा कि भाई अपनी फूड कलरिंग टेस्ट करवाओ आपने कहा ठीक है मेरा एक सैंपल ले लो फूड कलरिंग का अब वो टेस्ट कैसे करेगा वो उसकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करेगा उसने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करी उसकी वो कुछ कंपोनेंट्स में टूट जाएगा अब वो सब की रिटेंशन फैक्टर्स कैलकुलेट करेगा सबके रिटेंशन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं और फिर वर्ल्ड वाइड नॉन स्टैंडर्ड से वो आपकी कंपेयर करेगा आपके रिटेंशन फैक्टर

अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसको सेपरेट करो तो आप क्या करोगे आप उसका थिन लेयर कर दोगे और आप सबकी रिटेंशन फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे फिर आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा अब देर इज ये हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल टू वाली जो है ना वो आपकी ग्लाइसिन की है इट इज फॉर ग्लाइसिन की रिटेंशन फैक्टर हमेशा टू आती है